मैं बर्धन साहब आपको मालूम है द ग्रेट लेफ्ट नागपुर के थे. मैं बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में गया और बर्धन साहब के पैर छुए और मैंने उनको बोला कि आप मुझे आशीर्वाद दो. मैं जानता हूँ आप मेरे विरोधी हैं, वो आप करते रहो, पर आप मेरे आइकॉन हो. मैं शहर के, मैं नागपुर के थे. यू वेंट एंड टच्ड एबी बर्धन्स फीट. यस, और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में गया, ये जो ऑफिस है यहाँ, और बर्धन साहब का मैंने आशीर्वाद लिया और मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है. मैं उनके विचारों का जरूर विरोधी हूँ पर मैं उनकी ऑनेस्टी को, उनकी कार्य को रिकॉग्नाइज करता था. मैं शरद जोशी चले गए, मैं उनको कहता था कि वो बार बार कहते मैं तुम्हारे विचारों का फॉलोअर हूँ, चाहे दुनिया इधर पर, मैं वो बातों को एग्रीकल्चर में रखूँगा, मुझे नहीं संकोच. तो मुझे लगता है कि जो भी गलत भी विचार हो पर अपने विचारों के साथ ईमानदारी से रहने वाले व्यक्ति, चाहे मेरा वैचारिक विरोधक भी क्यों ना हो, मैं उसका रिस्पेक्ट करूँगा. और आज देश में प्रॉब्लम यह है कि सत्ता बदलने के बाद लोग विचार बदल देते हैं.